नेपाल में बाढ़ से अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन वहां मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि अभी और भी लोगों की जान चली जाए, क्योंकि बहुत लोग लापता बताए जा रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचा दी, जिससे हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 68 से ज्यादा लोग लापता हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस कुदरती प्रकोप से 4500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस खतरनाक सैलाब के जाल में अभी भी 30 लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ों से निकलकर सैलाब नीचे तक आ रहा है। जो नदियां पहले शांत रहा करती थी, वो अब लोगों को निकलने को तैयार हैं और इसी सैलाब में फंसकर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वैसे तो नेपाल के कई इलाके बाढ़ से त्रस्त हैं, लेकिन सबसे खतरनाक मंजर काठमांडू का है। बताया जा रहा है वहां लोगों की आंखों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। 24 घंटे के अंदर 240 मिलीमीटर बारिश होने के बाद नेपाल बाढ़ से बेहाल है। वहां फंसे भारतीय लोगों के लिए भारत सरकार भी लगातार संपर्क में है। भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। बिहार में कोसी और गंडक समेत कई नदियों का रौद्र रूप दिख रहा है। बिहार में बाढ़ ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। कई जिलों में बाढ़ की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। ये तस्वीर मोतिहारी की है, जहां 12 घंटे के अंदर दूसरा बांध टूटने की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, हालांकि खेतों में पानी भरने की वजह से फसलें खराब हो गई। ऐसी ही कुछ तस्वीर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिली, जहां नदी के तेज बहाव की वजह से कच्ची सड़क टूट गई, जिस वजह से गांव के बीच का संपर्क भी टूट गया। गांव वालों को आने जाने की परेशानी यहां पर बढ़ गई। मुजफ्फरपुर में कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से कई गांव के बीच का संपर्क टूट गया है। ऐसी स्थिति बेगूसराय की है, जहां बाढ़ की वजह से कई गांव में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हालात पर चिंता जताई है। बाढ़ की वजह से बिहार के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से 6 लाख से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से कोसी और बागमती नदी उफान पर आ गई है, जिसका असर अब बिहार में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिहार में बाढ़ से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। Z News.